दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे नींबू लगे हैं, इनको गलगल भी कहा जाता है। समय यहाँ पर झींगुर काफ़ी मात्रा में बोलने लगते हैं, जिससे वीडियो की आवाज़ में ऑडियो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और इस फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे की तरफ आ जाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डाली में नींबू लगे हुए हैं। अभी यह नींबू कच्चे हैं, जब यह पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनका साइज और बड़ा हो जाता है। ये कागजी नींबू से बहुत बड़े होते हैं। आमतौर पर हम भी इसको नींबू ही कहते हैं, नींबू की ही प्रजाति का होता है। ये डाली पर लगे होते हैं, जिसके वजन से डाली एकदम झुक गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये इसका दूसरा पेड़ है, उसके बीच में एक दूसरा पेड़ है, इसके नींबू पूरी तरह से पक चुके हैं। ये बिल्कुल पीले रंग के हो गए हैं और इनका साइज और बढ़ जाता है। ये पूरी तरह से पके हुए हैं, इसमें कांटे भी होते हैं, और नींबू के पत्ते, जैसा कि छोटा नींबू हम कहते हैं जो सब्जी वगैरह की दुकान में मिलता है, लेकिन यह बड़ा नींबू होता है, उससे काफ़ी बड़े मात्रा में होता है। और इसका भी इस्तेमाल इसी तरह से होता है जैसे छोटे नींबू का करते हैं हम शरबत वगैरह बनाने में, कभी कड़ी वगैरह बनाने में हो जाता है। ये आगे, इससे आगे ये गेंदे का फूल है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कैमरे से। हजारी का फूल, हम स्थानीय भाषा में इसको हजारी कहते हैं, वैसे गेंदा कहते हैं। अभी इसमें और फूल लगेंगे, इस बार दिवाली थोड़ा पहले हो गई है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके एकदम से ये नींबू है, नींबू एकदम बगल में, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में अदरक का खेत है। ये अदरक की फसल तैयार है, जिसका सभी लोग जानते हैं मसाले के रूप में इस्तेमाल में होता है। अदरक की चाय तो हम सभी ने पी है। ये अदरक का पेड़ होता है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पतली और लंबी होती हैं। इसके चतरफा हमने धोती की बाड़ लगाई हुई है। कई बार क्या होता है, जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुँचाता है, उससे बचाने के लिए इसमें अगर हम कपड़े की बाड़ लगाते तो इससे जंगली जानवर अपेक्षाकृत कम आता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद कोई इंसान बैठा हो, या कपड़ा कई बार रात में चमकता है तो फसल की तरफ अपेक्षाकृत कम आता है। तो इस तरह से ये एक जंगली बीज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम लाल फूल जैसा दिखाई दे रहा है। ये कोई जंगली बीज है, अब इससे नए फूल जो है जमीन में ही होता है, इसका पेड़ कहीं दिखाई नहीं देता, इसको भूमिगत फूल भी कह सकते हैं। यहाँ से थोड़ा मैं आपको चढ़ाई पे ले जाता हूँ। ये जो ऊपर आप थोड़ी हाइट में दिखा पा रहे हैं, हमारे इसको भीड़ा कहते हैं। भीड़े का मतलब होता है जमीन का ऐसा भूभाग जो दीवार की तरह काम करता है। ये जो है बकरी कहते हैं हम, चीड़ का बीज होता है इसके अंदर, इसका इस्तेमाल हम आग जलाने के करते हैं, क्योंकि आग बड़ी तेज़ी से पकड़ता है। हमने ये लूटा लगा रखा है, लूटे का इस्तेमाल पशु के चारे के लिए होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये चारा सुखा करके पशु को दिया जाता है। कई बार क्या होता है, चारा जब की उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से साग सब्जी का प्रचुरता होती थी, हम सब्जी सुखा कर प्रतिकूल मौसम के लिए रख लेते थे। चीड़ के पेड़ हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लेफ्ट राइट चारों तरफ चीड़ के पेड़ ही पेड़ हैं। कैमरा मैं ऊपर ले चलता हूँ, देखो सूरज कितना बढ़िया दिखाई दे, आज मौसम एकदम साफ ही है। कर लेंगे इसको, एकदम साफ दिखाई दे रहा। ये नींबू के अभी आधे कच्चे हैं, आधे पके, इस तरह से ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, अभी और बड़े होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ।